और ईश्वर पे भरोसा रखें। भरोसा रखें, सबसे बड़ा यही है कि भरोसा रखो, हो जाएगा काम, बढ़िया होगा। जो भी होगा थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन जब होगा तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। पुरानी बातें आप भूल जाएंगे। हाँ, पुरानी बात भूल जाएंगे। हाँ, मैं उन्हीं से प्रार्थना करती थी। मैं कहती कि मेरा, मेरे आँख में आंसू ना निकले, क्योंकि मेरे बच्चे टूट जाएंगे, तो मैं इतने पत्थर की हो गई कि मेरे आँख से कभी आंसू नहीं निकले। कोई आकर मुझसे बात भी करता, जैसे रिपीट करता बात को कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरी आँख में आंसू नहीं आते थे, क्योंकि जिस दिन मेरी आँख में आंसू आ जाएंगे मेरे दोनों बच्चे टूट जाएंगे। अब रात में तो हनुमान जी ने मुझे लपेट लिया एकदम से, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और कह रहे हैं कि मेरी सिंदूरी मूर्ति रख और अखंड रामायण रख। ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं मंदिर नहीं बनाऊंगी, तो कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति अब तू ही रखवाएगी। हनुमान जी को लाके बिठा दो तो कोई काम रुकता नहीं है। मेरा अनुभव तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं, मेरा बेटा, बड़ा बेटा 19 साल का था तब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो अब तो देख, आप समझ सकते हो कि दो जवान बच्चे और उनको लेके शहर में रहना कितना मुश्किल होता है एक लेडीज के लिए। फिर भी मैं अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ रही, और मेरे सारे काम अपना आप से होते गए होते गए, मुझे खुद नहीं पता। मैं सिर्फ मंदिर में लगी रहती थी। मैं पहले वार्तालोक मंदिर में रहती थी, अच्छा। वार्तालोक सोसाइटी में रहती थी, तो मैं तो मंदिर में लगी रहती थी। कभी आज मंदिर का ये करना, आज मंदिर का वो करना, मेरे बच्चे कब पढ़ कर निकल गए, कब उनको जॉब लग गई, मुझे खुद नहीं पता। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब सेट हो गए, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ का ये नहीं, मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। पिताजी को देखा, हम लोग 8 बहन हैं। अच्छा। तो मैंने अपने पिताजी को देखा कि जब भी हम लोगों को जैसे शादी करने का उनका मन होता था कि अभी बड़ी हो गई, इनकी शादी करनी है, तो रिश्ते अपने आप आ जाते थे। तो हमें लगता था कि आजकल लड़कों, मतलब लड़कों की शादी करना बहुत मुश्किल है, तो लड़कियों का रिश्ता तो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन हमारा, हम लोगों का घर में रिश्ता आ जाता था हनुमान जी कृपा से। हनुमान जी की कृपा थी। जय सियाराम, जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी चरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है श्री हनुमान जी की पूजा आराधना से। भक्तों पे कृपा कर दें हनुमान जी तो जीवन के समस्त कार्य सफल होने लगते हैं, तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तों का अनुभव है। उन्हीं में से एक भक्त हैं सुनीता बंका जी। हाँ। स्वागत है आपका। जय सियाराम। आपने तो तुलसी माला वगैरह सब धारण किया है, कौन से दीक्षा ले रखी है? अच्छा। तो उनका एक ही शर्त रहती है कि आप नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाओगे, तामसी चीज कुछ नहीं खाना, और तुलसी धारण करना, नाम जाप करना। अच्छा, ये शर्त रहती ही है कि, हाँ, ये कि भक्तों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी दिन से अपना, वैसे तो मैं कुछ खाती नहीं थी, लेकिन प्याज वगैरह कभी कभी हो जाता था, लेकिन अब वो भी सब बंद हो गया। अच्छा। और तुलसी माला धारण कर ली, अब 16 माला डेली मेरी होती है। हरे कृष्ण महामंत्र। अच्छा, आपका भी ये मानना है क्या कि हनुमान जी की भक्ति के लिए ये सब प्याज लहसुन सर्वथा त्याग देना चाहिए? देखो, भक्ति में ये सब चीज़ें बाधा डालती है, क्योंकि आप कोई भी तामसी चीज़ खाओगे तो आपको फिर नींद बहुत आएगी, और नींद आना भक्ति में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि फिर आप भक्ति पूरी तरह से कर नहीं पाते, हमारे गुरु महाराज का मानना है। अच्छा। तो फिर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। यानी ये सब जो तामसिक चीज़ें हैं, हाँ, आपके भीतर आलस से पैदा करता है, आलस से पैदा करता है। अच्छा। तो ये फिर आपकी भक्ति में बाधा डालता है। तो फिर हम लोग ये नहीं खाते रहे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन चीज़ों के नहीं खाने से इंसान मर जाएगा। आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि हनुमान जी पे तो आपका टूट भरोसा है। हाँ। आप तो ऐसी जगह से आती हैं, झुंझुनू, हाँ, राजस्थान, झुंझुनू राजस्थान, जहाँ पे हनुमान जी की विशेष महिमा है। हाँ। तो ये हनुमान जी के प्रति भक्ति की लगन कब से लगी? मेरा भाई भी हनुमान जी की भक्ति करता है। झुंझुनू में भंदे बालाजी का मंदिर है, तो वो उसका ट्रस्टी है, और जैसा हम लोग अपना घर में देखते हैं ना, वैसा ही फिर इतना फील होता है। अच्छा। तो मैंने शुरू से ही अपने घर में ये हनुमान जी की भक्ति देखी, तो फिर हनुमान जी का मेरे पर अटूट विश्वास है। यानी बाल्यावस्था से? हाँ, बचपन से ही। बचपन से ही। अच्छा। हमारे वहाँ जागरण भी होता था हर 15 दिन से, एकादशी वाली रात को, तो हम लोग जाते थे, बहुत छोटे छोटे थे फिर भी पूरी रात जाते थे वहाँ पे। तो हमें अच्छा लगता था, पूजा पाठ करना हमें अच्छा लगता है। यानी आपने घर में देखा कि हनुमान जी की पूजा आराधना पहले से हो रही थी। हाँ। तो आमतौर पे होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो देखते हैं बड़ों को, तो फिर पूजा पाठ करते हैं। हाँ। आपका पहला अनुभव कब हुआ, या फिर घर में कभी आप चर्चा सुनती थी कि हनुमान जी की पूजा से सब संभव हो जाता है, जीवन आसानी से कटता है? शुरू में हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। अच्छा।
बस पूजा करनी है भगवान की, तो पूजा करनी है, पाठ करना है तो करना है, भगवान को भोग लगाना है खाना बना के तो भोग लगना है। हमारे घर में भी लगता था, पियर में आज भी लगता है, और आज मैं भी लगाती हूँ। जो भी मेरे घर में आता है, दूध आए, फ्रूट आए, खाना बने, जो भी बने, सारा शुद्ध बनता है और भोग लगता है, उसके बाद में सबको मिलता है खाने। अच्छा, जो भी वस्तुएं आती हैं, जो भी आती है, सबको भगवान को अर्पण किया जाता है। उनको अर्पण किए बिना कोई नहीं खाता। हमारे बच्चों को भी, जो मेरे 2 साल का बच्चा है, वो भी नहीं खाता। सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद में सब लोग खाते हैं। अच्छा, तो बाल्यावस्था में आपका पहला ऐसा अनुभव कब हुआ आपको कि हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, ये भक्तों के बिगड़े काम बना सकते हैं? क्या उस वक्त ऐसा अनुभव हो गया था या मैंने अपने पिताजी को देखा? हम लोग 8 बहन हैं। अच्छा, तो मैंने अपने पिताजी को देखा कि जब भी हम लोगों को जैसे शादी करने का उनका मन होता था कि अभी बड़ी हो गई, इनकी शादी करनी है, तो रिश्ते अपने आप आ जाते थे। तो हमें लगता था कि आजकल लड़कों, मतलब लड़कों की शादी करना बहुत मुश्किल है, तो लड़कियों का रिश्ता तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन हमारा, हम लोगों का घर में रिश्ता आ जाता था हनुमान जी कृपा से। हनुमान जी की कृपा थी। अब कृपा तो उसी की है, वो स्वयं तो आते नहीं है, किसी के माध्यम से ही तो वो अपना काम करते हैं उनका। तो ये सब हमने बहुत महसूस किया है बचपन से। अच्छा, आपने देखा कि पिताजी का कोई भी कार्य रुकता नहीं था? कोई काम नहीं रुकता था उनका। और शादी के बाद में हमने अपने घर में देखा कि हमारा कोई काम नहीं रुका। तो मैं तो हर चीज़ में भगवान की कृपा समझती हूँ। अच्छा, ये नहीं सोचती कि मेरी मेहनत से हुआ, नहीं, उसकी कृपा है, उसकी कृपा से ही ये काम हुआ है। यानी शुरुआती दौर में ही, उम्र के एक तरह से प्रथम पड़ाव पे ही कह सकते हैं, बाल्यावस्था में ही। हाँ जी। बताने की क्या आवश्यकता, आपने तो स्वयं अनुभव से देख लिया। अनुभव ही किया है मैंने, बताने से तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है। जब इंसान खुद अनुभव करता है तब उसको पता चलता है कि वास्तव में भगवान है, सुनते भी हैं। यानी और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो जो मनोरथ होता है भक्तों की, वो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। पूरा कर देते हैं। ये आपने देखा कि 8 बहनों की शादी, 8 बहनें हैं आप? 8 बहन। अच्छा। और भाई तो मेरा सबसे छोटा है। अच्छा। तो सोचो, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो सबसे छोटा भाई, वो भी हनुमान जी की पूजा में लगे, वो हनुमान जी की पूजा में, उसको भी वैसे ही फील होता है, जब भी कुछ होता है उसको एकदम बैठे बैठे दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो पिताजी के सभी कार्यों को हनुमान जी ने एक तरह से संवार दिया। हाँ जी। सब अच्छे तरीके से निर्वहन करा दिया। आपका अपना अनुभव, जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी बिल्कुल सन्निकट महसूस हो रहे हैं, और जब भी हम संकटों में होते हैं हनुमान जी आ जाते हैं। हाँ। आपका कुछ अनुभव ऐसा? मेरा अनुभव तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं, मेरा बेटा, बड़ा बेटा 19 साल का था, तब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो अब तो देख, आप समझ सकते हो कि 2 जवान बच्चे और उनको लेके शहर में रहना कितना मुश्किल होता है एक लेडीज के लिए। फिर भी मैं अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ रही, और मेरे सारे काम अपना आप से होते गए, मुझे खुद नहीं पता। मैं सिर्फ मंदिर में लगी रहती थी। मैं पहले वार्तालोक मंदिर में रहती थी। अच्छा। वार्तालोक सोसाइटी में रहती थी। तो मैं तो मंदिर में लगी रहती थी, कभी आज मंदिर का ये करना, आज मंदिर का वो करना है। मेरे बच्चे कब पढ़ कर निकल गए, कब उनको जॉब लग गई, मुझे खुद नहीं पता। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब सेट हो गए, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ का ये नहीं, मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। आप सच मायने में पूछो तो कि मुझे किसी का चीज़ का संघर्ष नहीं करना पड़ा। सब काम मेरे अपने आप होते चले गए। जो निर्धारित कार्य है वो आप करती रहीं। हाँ। और बाकी सारा कार्य स्वतः होता गया, अपने आप होते, अपने आप सब होता गया। अपने आप जी जी जी। जहाँ मेरी ड्यूटी लगती है वो तो निभानी पड़ती है, खड़े होकर इंसान को करना पड़ता है। बाकी वैसे मैंने कुछ किया नहीं, सब कुछ अपने आप होता चला गया। अच्छा, व्यक्ति तो वैसे हनुमान जी की कृपा से जब अभिभूत होता है तो चाहता है कि हनुमान जी की महिमा लोग भी जाने। हाँ। चूँकि हमें जब संकटों से उबारा है तो औरों के लिए भी हनुमान जी सहायक बनेंगे। तो ये जो मंदिर, आप जैसे वार्तालोक में, आप जी उस सोसाइटी में मंदिर बनवाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जहाँ भी इस तरह का कार्य होता है आप लगी रहती हैं। तो ये कब से पैदा हो गया मन में कि हम हनुमान जी का गुणगान करेंगे, प्रचार करेंगे और उनके बारे में ही बात करेंगे? बस मुझे ये लगता था कि हनुमान जी को ला के बिठा दो तो कोई काम रुकता नहीं है। तो वार्तालोक सोसाइटी में जब मंदिर बनने लगा था तो आवास विकास वालों ने आके 2-3 बार मंदिर को वापस तोड़ दिया था। अच्छा। तो मैंने बोला कि भाई हनुमान जी को ला के बिठा दो, फिर मंदिर टूट जाए तो आप मुझसे कह देना। तो हमने मिट्टी का से ढेर लगा हुआ था, वहीं पे हमने हनुमान जी को बिठा दिया। उस दिन के बाद में हमारा मंदिर बिल्कुल भी नहीं टूटा। अच्छा, एक बार स्थापित कर दिया गया। स्थापित कर दिया तो फिर जो आवास विकास से आते या पुलिस वाले आते सब हाथ जोड़ कर चले जाते, बोले कि हम इस मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे, ये मंदिर बन गया।
तब से वो रास्ता हो गया। मैंने यहाँ भी बोला एस जी में भी कि आप हनुमान जी को ला के बिठा दो, तो बोले कि नहीं चलो देखते हैं, अगर मंदिर नहीं बनेगा तो आपके हनुमान जी को बिठा देंगे। फिर ला के 3 महीने तक एक ईंट भी नहीं लगी मंदिर में, और फिर जैसे हनुमान जी को ला के बिठाया मंदिर, आप देख ही रहे हो, तो हनुमान जी जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहाँ कार्य पूरा हो जाता है, स्वतः होने लगता है। हाँ अच्छा, सुंदरकांड का पाठ भी आप करती हैं? हाँ, बल्कि जहाँ आयोजन होता है लगभग आप तो स्वयं, मुझे लगता है कि करती ही रहती है, जो मुझे जानकारी मिली, जो जानकारी मिलती है कि लगी रहती हैं। ये सुंदरकांड के प्रति कब से आपका भाव जगा कि सुंदरकांड की विशेष महिमा है और हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं? बस ऐसे लगन हो गया, हम जब मंदिर बनाए थे ना तो हमें पैसों की बहुत दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि सब लोग ऐसे मंदिर में देते नहीं थे दान, तो मंदिर चलाना भी घर चलाने के बराबर होता है। हाँ, बिल्कुल खर्चा उन्हें पूरा लगता है। तो मैं ऐसे बैठे बैठे रात भर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं बोली ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग जुड़े आए, तो फिर मैं बोली क्यों ना हम हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, लोग भी आएंगे, लोग आएंगे तो फिर वो अपनी श्रद्धा से दान भी करेंगे, तो मंदिर तो चलेगा ही चलेगा। फिर मैंने 2-4 लोगों से उनके सामने अपनी बात रखी कि मैं से चाहती हूँ कि सुंदरकांड का पाठ हो जाए, तो बोलिए तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने सुंदरकांड का पाठ चालू किया था तब तो मैं आपको क्या बताऊँ, कितने लोग तो ऐसे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि सुंदरकांड भी है कुछ और इसको पढ़ना कैसे चाहिए। फिर वो मेरे साथ साथ, मुझे वहाँ पर 15 साल हो गए सुंदरकांड का पाठ करते हुए। अच्छा। मैंने 2009 में चालू किया था, तो लोगों को पढ़ना भी आने लग गया, लोगों को इंटरेस्ट भी हो गया। अब तो क्या करते हैं, पहले की जैसे बर्थडे होता था या किसी की एनिवर्सरी होती थी तो खाना पीना गीत गाना ये सब करते थे, अब कहते हैं नहीं नहीं अब सुंदरकांड का पाठ करेंगे, भगवान की पूजा हो जाएगी, अच्छा होगा। तो अब लोगों में वो क्रेज हो गया कि अब सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अरे, लोगों को आपने जागरूक किया? हाँ, कि सुंदरकांड की महिमा क्या है और सुंदरकांड का पाठ करना कैसे चाहिए। हाँ, कैसे करना चाहिए और इनसे कितने कष्ट उभरते हैं, दूर होते हैं। कैसे करते हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं जरा उन्हें बता दीजिए कि जो महिलाएं, जो भी भक्त संकटों से खुद को उबारना चाहते हैं। हाँ। वो कैसे करें सुंदरकांड का पाठ, किस प्रकार से, मतलब कोई विधि होगी, कैसे करें? हम लोग कोई विधि नहीं करते, क्योंकि विधि के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई पाठ करना ही नहीं चाहेगा। इसलिए हम सिंपल शोभर अपना भगवान जी को बिठाए, जोत जलाए और अपना पाठ शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि विधि के चक्कर में तो जैसे पंडित जी लोग बताते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो काफी लोग दूर हो जाते हैं। हाँ, कि कलश स्थापना करें, ये करो, वो खर्चा लग जाएगा, किसी का बजट होता है किसी का नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1.25 किलो गुलदाना ले आते हैं, केले ले आते हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो ये दो चीज पसंद है, बाकी सब तो कितना भी रख दो सब ऐसे दिखा हुआ है, उनको तो लड्डू और केले पसंद है हनुमान जी को। तो हम लोग 1.25 किलो गुलदाना और केला और जोत जला के थाली में और हनुमान जी के में बैठ जाते हैं। बस हम अपना सिंपल करते हैं। तो आज मेरे पास 45 लोग है वार्ता लोग में। अच्छा, जो लोग सुंदरकांड से जुड़े हैं लगातार। सब बोल देते हैं मेरा 2 सुंदरकांड का पाठ लिखो, मेरा 3 लिखो, मैं साल में इतने कराऊंगी। तो इस तरह से मेरे पास 45 लोग हैं। अच्छा, जुड़ गए हैं लोग आपसे। बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं कि जितना ही सरल हम रखेंगे। हाँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरित मानस की रचना की, कि बहुत कठिन श्लोकों की रचना संस्कृत में ना करके लोक भाषा में की। हाँ। कि लोगों तक पहुंचे, समझ में भी आ जाए, और बहुत क्लिष्ट जो वैदिक पूजा है उसमें ना जा करके आप लोग सिर्फ वहाँ पे हनुमान जी को विराजित करती हैं, उनकी तस्वीर लगाती हैं, उनके राम दरबार को विराजित करती हैं, फूल वगैरह लगा करके और जोत जला लेती हैं, और आपने कहा क्या मंगा लेती हैं, 1.25 किलो गुलदाना और केला। अच्छा, और केले बस वो रख दिया बस, और हनुमान जी का आवाहन किया बस, और उसके बाद पाठ शुरू हो गया, पाठ शुरू कर देते। अच्छा, आप बता रही थी अभी कि जीवन में एक बड़ा संकट जब आया, जिस वक्त पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेवारी आप ही के ऊपर आ गई। हाँ। तो अभी तो आप बिजनेस करती हैं आप? हाँ, वैसे शॉप मेरे बेटे की है। अच्छा। लेकिन मैं चली जाती हूँ उसके साथ, क्योंकि शुरू में तो आपने ही संभाला होगा। शुरू में मैंने जमाया, परिस्थिति थोड़ी उलट हुई थी। हाँ। तो ये सब हनुमान जी कृपा से सब अपना रास्ता पकड़ता गया, सब अपने और सब अभी बेहतर है। तो अब अभी आप जैसे बहुत सारे जो महिला भक्त हैं, एक तो महिलाओं के भीतर रहता है, कई बार इधर उधर से भी लोग बातें सुन लेते हैं कि हनुमान जी की पूजा महिलाएं ना करें, छुए नहीं, स्पर्श ना करें। हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी की पूजा करना किसने मना किया? नहीं, हनुमान जी की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ब्रह्मचारी है इसलिए उनको छूना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है।
तो स्पर्श ना करते रहे, स्पर्श ना करें। हाँ। आप पूजा कीजिए, पूजा करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो वैसे पुरुष भक्तों के लिए भी है। हाँ। कि जो अधिकृत पुजारी हैं। हाँ हाँ। जो नेम धर्म का पालन करते हैं। हाँ। वो स्पर्श करते हैं, बाकी पुरुष ही हैं तो क्या हुआ, वो स्पर्श हमेशा। हाँ, करते ना रहे। हाँ। दूर से प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को तो कभी किसी को टच करना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि महिमा खंडित होती है। हम लोग नहीं छूते, हम दूर से प्रणाम। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। आप ऐसा मत कीजिए, अगर भगवान को आपकी प्रार्थना सुननी है तो वो आपका घर बैठे भी सुन लेंगे। लेकिन मंदिर में जाने का तो मतलब ये होता है कि हमें अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है कि हमने भगवान के दर्शन किए। बाकी मंदिर में भी हम लोग पूजा करते हैं, भगवान तो वहाँ भी है, घर में भी है। लेकिन ये है कि मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब लोग सारे भक्त आते हैं, तो वो एक थोड़ी वो स्थान जो होता ना, उसे उसको कहते हैं ना, जैसे सात्विक हो जाता है ये वातावरण की पवित्रता, पवित्रता जो, हो जो, जाती जो वहाँ पे रहती है। हाँ, ये होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, अब इस संसार में काफी लोग हैं जो दुखी हैं, क्योंकि ये तो पूरा दुखालय है ही, कहा ही गया है। ऐसे महिला भक्त जो किसी परेशानी में है, दुख में है, किसी प्रकार का संकट उनके जीवन में है, ऐसे लोगों को क्या बताएंगी, वो कैसे पूजा करें हनुमान जी की, कौन सा पाठ करें, किस प्रकार से करें? करो हनुमान चलो, सुंदरकांड का पाठ करो, और क्या है, ऐसा कुछ नहीं। सुंदरकांड का पाठ करो, मन से करो, और थोड़ा देखो जिंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। मेरी भी जिंदगी में बहुत दुख आया था, जिस समय समझ लो मैं बता नहीं सकती आपको मेरी क्या हालत थी। मैंने भी अपने आप को संभाला था, क्योंकि दुख तो भगवान देता है, दुख भी देता है, सुख भी देता है, संभालना अपने आप को ही पड़ेगा। बस ये है कि दो रास्ता रहता है इंसान के सामने, एक गलत एक अच्छा। अगर अच्छा रास्ता आपने पकड़ लिया तो ज़िंदगी आसानी से कट जाती है, गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर तो ज़िंदगी जो नरक है वो और नरक बन जाती है। तो इंसान को तो दो ही रास्ता चुनना है। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि चाहे कितने से कितना दुख हो, इंसान को अच्छा रास्ता पकड़ना चाहिए, फिर आपको अच्छा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोग सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे, न जाने क्यों है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे। भारी कष्ट होगा। और तो क्या बताऊं। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि हनुमान जी नहीं सुनते हैं। अब जैसे एसडी में देखो मंदिर बन रहा था, तो मैंने बेटे से कहा था कि अब की बार मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया उस मंदिर के लिए। अब शरीर में इतनी जान नहीं है, संडे की बात थी, तो पहले मैंने छोटे बेटे के सामने कही ये बात, तो बोला कि चल तेरा जैसा मन कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शॉप पे आई, शॉप पे आके मैंने बड़े बेटे से भी यही बात रिपीट कर दी, तो बोला कि कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लेना, नहीं माना कि मैं आगे नहीं आऊँ फ्रंट पे तो कोई बात नहीं, बाद में अपना पीछे पीछे आराम से सेवा कर लेना। अब रात में तो हनुमान जी ने मुझे लपेट लिया एकदम से, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और कह रहे हैं कि मेरी सिंदूरी मूर्ति रख और अखंड रामायण रख। ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं मंदिर नहीं बनाऊँगी, तो कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति अब तू ही रखवाएगी। अरे, स्वप्न दर्शन दिया हनुमान जी ने। हाँ, मुझे सोने नहीं दिए सारी रात। सुबह उठी तो मेरे ऐसे दोनों नसें ऐसे फट रही थी। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हुआ क्या, मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं कोई तो बात है, आज चेहरा भी उतरा पड़ा है, अजीब सा लग रही हो। मैं बोली कि नहीं, फिर मेरी आँख में आंसू आ गए। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हनुमान जी रात में मुझे सोने नहीं दिए, कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति रख। तो बोला रखवा देंगे मूर्ति में, ऐसी क्या बात है, इतना परेशान मत हो। तो फिर मूर्ति रखवाई, सुंदरकांड का पाठ भी किया, छप्पन भोग भी लगाए, और दूसरे दिन भंडारा भी कर दिया। तो तीन दिन तक हनुमान जी की बढ़िया पूजा हो गई, तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि चलो, मैंने मुझे जो फील हुआ वो मेरा सारा काम बढ़िया से हो गया। यानी हनुमान जी स्वतः प्रेरणा भी देते हैं भक्तों। हाँ, मुझे कहते हैं कि नहीं पीछे नहीं, जो क्योंकि मैं रोज़ सुबह ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं हमेशा तेरी भक्ति करूँ, तेरी भक्ति से कभी पीछे ना हटूँ। तो फिर बोले कि ऐसे कैसे पीछे हट सकती है, वो उसी की समझ लो आप, वही प्रेरणा है। यानी हनुमान जी ने स्वप्न दर्शन दिया और कहा कि मेरी सिंदूरी मूर्ति की स्थापना करें, स्थापना करें, और वो हुआ भी, हो गया, मंदिर की स्थापना हुई, और उसके बाद पूजन कार्य वहाँ पे पूजन भी हो गया। अब तो आपने साक्षात देखा था, खूब अच्छे से हो गया, पाठ भी हो गया, भगवान का भोग भी लगे। छप्पन भोग का भी मेरा ही आयोजन था, मेरा ही था कि मैं छप्पन भोग लगाऊँ, तो बोले कि हाँ हाँ भाभी आप लगाओ, सब तैयार हो गए थे। तो फिर सब लोग ले आए, हो गया सबका। एक आखिरी जिज्ञासा इस कड़ी में भक्तों की रहती है कि हनुमान जी संकट मोचन है। हाँ। जब व्यक्ति संकटों में फंसता है, संकटों से घिरता है, तो संकट मोचन की याद आती है। हाँ जी। कई बार व्यक्ति जब जाता है तो अपने मनोरथ लेके जाता है कि उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए, ध्यान उसका अपने इच्छा पे ही रहता है। हाँ। हनुमान जी के प्रति दर्शन नहीं करता ठीक से वो भगवान के। क्या करना चाहिए ऐसे भक्तों को?
नहीं, आप पहले जाओ श्रद्धा से उनके उनका दर्शन करो और फिर उनसे अपनी मुराद पूरी करो, मतलब इच्छा करो कि मैं मेरी ये इच्छा आप पूरी करो उसको। आप ये नहीं कि जाते ही सीढ़ियों में पहले ही ये कर दिया कि मेरा ये कर दो मेरा वो कर दो, ऐसे ही नहीं करो। पहले प्रेम से दर्शन करो भगवान के और फिर उनके आगे हाथ जोड़ के निवेदन करो, प्रार्थना करो कि मेरा काम रुका हुआ। वैसे तो इनको पता ही रहता है हर चीज़ का, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना जो मांगने वाला होता है वो तो भिखारी होता है, मांगना नहीं चाहिए, इनको सब कुछ पता होता है और ये इनको जब देना होता तो दे भी देते हैं। लेकिन किसी किसी के संकट दूर होते हैं तो हमारे जैसे पंडित जी बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करना चाहिए। अच्छा, तो उससे भी जो घर का थोड़ा क्लेश वगैरह होता है, बीमारी होती है, तो वो सब खत्म हो जाती है। अरे धीरज रखें, धीरज रखें। कितने दिनों में हनुमान जी सुन लेते हैं? अगर चूंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं वो तो सोचते मेरे हैं तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, मैं किसी भक्त का मैं नहीं बता सकती कि अच्छा, आपका कितने दिनों में सुन लिए? अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि मैंने शाम को ही बोला था, रात में मेरे तो सपना गया, सपने में आ गए। तो अब इससे ज्यादा नहीं, जीवन में इतना बड़ा संकट जब आया था तो आदमी तो टूटने लगता है, हताश हो जाता है, ईश्वर हम अब कहाँ जाएं, क्या करें, ये स्थिति पैदा हो जाती है। तो स्पष्ट है चूंकि हनुमान जी की भक्ति में बचपन से आपने देखा, उन्हें ही पुकारा होगा आपने। हाँ, मैं उन्हीं से प्रार्थना करती थी। मैं कहती कि मेरा मेरी आंख में आंसू ना निकले क्योंकि मेरे बच्चे टूट जाएंगे। तो मैं इतनी पत्थर की हो गई कि मेरे आंख से कभी आंसू नहीं निकले। कोई आकर मुझसे बात भी करता, जैसे रिपीट करता बात को कि कैसे हुआ क्या हुआ, मेरी आंख में आंसू नहीं आते थे। क्योंकि जिस दिन मेरी आंख में आंसू आ जाएंगे मेरे दोनों बच्चे टूट जाएंगे और उनको तो मुझे ही देखना है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, बस होता तो मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ, सो जाती हूँ, फिर अपने आप देख लेती हैं कैसे क्या करना है। मतलब कर्तव्य पथ पे आप चलती रहती हैं हनुमान जी के सहारे, उन्हीं के भरोसे। हाँ, बस बस जो भी मेरे घर में, तो मैं कहती हूँ इसी की कृपा है। अरिया मेरा बाल गोपाल जो मेरे दिल में बसे हुए हैं, उनको तो मैं अपना भाई मानती हूँ। बाल गोपाल भगवान कृष्ण? हाँ, कान्हा जी को। अच्छा। तो वो तो मेरे साथ साथ ही रहते हैं। उनको मैं कहीं नहीं छोड़ती, छोड़ती हूँ तो मेरा कुछ गड़बड़ हो जाता है। उनको साथ लेके चलती हैं? मैं साथ लेके चलती हूँ, जब मैं कहीं भी जाती हूँ दो दिन के लिए चार दिन के लिए तो अपने साथ साथ लेके जाती हूँ। और अगर घर में कोई सेवा करने वाला है तो छोड़ के जाती हूँ, फिर उनको भी सारा बता के जाती हूँ कि कितने बार खिलाना है, क्या दूध पिलाना है, ये करना वो करना। कर्तव्य पथ पे टिक करके डटे रह करके ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है, उसकी आप उदाहरण एक तरह से कही जा सकती हैं कि बिना टूटे बिना हिम्मत हारे। आजकल बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, वही गड़बड़ हो जाता है, जीवन को ही तहस नहस करने में लग जाते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ा संदेश है आपकी ये बातें कि कर्तव्य पथ पे आप डटे रहें। हाँ, और ईश्वर पे भरोसा रखें। भरोसा रखें, सबसे बड़ा ये है कि भरोसा रखो, हो जाएगा काम, बढ़िया होगा। जो भी होगा थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन जब होगा तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। पुरानी बातें आप भूल जाएंगे। हाँ, पुरानी बात भूल जाएंगे। ये अनुभव है भक्तों का कि जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो जो पुराने दुख संकट है व्यक्ति भूल जाता है, वो उस स्थिति में ला देते हैं हनुमान जी। नहीं, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। आगे भी हम चाहेंगे कि हनुमान जी की ऐसे ही कुछ प्रेरणा भरी बातें आपसे होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सियाराम, जय सियाराम।